हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षित और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीनी बीन्स पे। आप देख रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज जो कि है प्री स्कूल स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट चेकलिस्ट के बारे में। इस वीडियो सीरीज के 11th वीडियो में हम बात करेंगे प्री स्कूल का कौन सा बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी प्री स्कूल के रिक्रूटमेंट्स के बारे में, और अगर आपसे ये वीडियो मिस हो गया हो तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आपके लिए कौन सा प्री स्कूल बिजनेस मॉडल सही होगा, एक नॉन फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल या एक प्री स्कूल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। अब जब आपने इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियोस देख लिए हैं तो आप जरूर सोच में होंगे कि आपको एक प्रीस्कूल के नॉन फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जाना चाहिए या फिर एक प्रीस्कूल फ्रेंचाइजी के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए एक नॉन फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल ही सही होगा। अब ऐसा क्यों, इसको डिटेल में समझते हैं। कोई भी स्कूल अपने गुडविल और रेपुटेशन के बेसिस पे चलता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक नेशनल फ्रेंचाइजर के साथ प्रीस्कूल खोलने से अपने आप अच्छी रेपुटेशन और गुडविल आ जाएगी, तो लगता है कि आप ये भूल रहे हैं कि एक प्रीस्कूल के सक्सेस के पीछे उसके ओनर के एफर्ट्स का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। आप कोई भी सक्सेसफुल प्रीस्कूल के ओनर से पूछ लीजिए, वो आपको यही बताएंगे कि एक प्रीस्कूल के सक्सेस के पीछे उसके ओनर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स का ही हाथ होता है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लिमिट के बाद फ्रेंचाइजर का रोल प्रीस्कूल में ना के बराबर हो जाता है, लेकिन इस सब में पूरे समय जो आपने मेहनत की है उसका क्रेडिट भी फ्रेंचाइजर ही ले जाता है, क्योंकि आपका खुद का कोई ब्रांड नहीं होगा जब आप फ्रेंचाइजर के साथ प्री स्कूल खोलते हैं तो। और बाद में अगर आपने डिसाइड कर भी लिया कि आप अपना खुद का ब्रांड खोलना चाहते हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यही तो एक मौलिक अंतर है एक नॉन फ्रेंचाइजी प्री स्कूल बिजनेस मॉडल में। इस बिजनेस मॉडल में आप अपने ब्रांड को बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, ना ही कि किसी और के, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस मंशा से नहीं शुरू किया जाता है कि वो सिर्फ 2 साल के लिए चले। कोई भी प्री स्कूल ओनर चाहेगा कि उसका प्री स्कूल कई पीढ़ियों तक बच्चों को पढ़ाता रहे। अब आप ये जान गए होंगे कि अगर आप अपना प्री स्कूल चाहते हो तो अपना ब्रांड बनाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के दूसरे इशू के बारे में, जो कि है कॉस्ट का इशू। कोई भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी के साथ इंटीग्रेट होना आसान होता है प्री स्कूल खोलने के लिए, लेकिन साथ ही में आता है अत्यधिक इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो बात आएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, जो कि हो सकता है 3 लाख से लेके 30 लाख के बीच में, डिपेंड करता है कि आप किसको अप्रोच कर रहे हैं। ऊपर से आएगी रॉयल्टी, और आप किसी भी प्री स्कूल ओनर से पूछ लो वो इस शब्द से नफरत करते हैं। रॉयल्टी आपके कमाई का वो हिस्सा होता है जो आपको फ्रेंचाइजर के साथ शेयर करना पड़ता है। ये आप पकड़ लो 15-20% के बीच में होता है हर एडमिशन पे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये आपको ज्यादा ना लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको पक्का से परेशान कर देगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली का कोई भी स्कूल जिसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो कितना भरते होंगे साल भर में, मतलब रॉयल्टी में, आपको क्या लगता है? 15-20 लाख साल भर का सिर्फ रॉयल्टी में, जिसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए शॉकिंग है कि नहीं? इसके बजाय अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो नॉन फ्रेंचाइजी मॉडल सही बैठता है फाइनेंशियली और लॉजिकली, जो कि कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ मुमकिन नहीं है। और अगर आप अपना खुद का प्री स्कूल खोलना चाहते हो तो टीनी बीन्स के साथ जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? टीनी बीन्स एक नॉन फ्रेंचाइजी जीरो रॉयल्टी प्री स्कूल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जहां पे आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, मार्केटिंग एंड इवन टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा जाता है। टीनी बीन्स ने 10 मिलियन प्री स्कूल बच्चों को प्रभावित करने के लिए एक नॉन फ्रेंचाइजी मॉडल को ही चुना है, क्योंकि हम सिंसियरली बिलीव करते हैं
कि यही सही रास्ता है प्री स्कूल खोलने का। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे ही आप टीनी बीन्स को ज्वाइन करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि हमारा प्री स्कूल रिसर्च पूरी तरीके से कंप्लीट है और इसकी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज है। हम सिर्फ आपको आपका ब्रांड बिल्ड करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि हम सारा नॉलेज, इनसाइट्स, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप अपना ब्रांड अपने आप चलाने में सक्षम हो। सो आपको आपके प्री स्कूल खोलने की यात्रा में कामयाबी हासिल हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो ये थी सारी बातें प्री स्कूल के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आप इस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट को लगातार देखना चाहते हैं तो अभी दबाइए आई बटन को जो अभी आपके स्क्रीन पे उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो एजुकेशन बिजनेस को लेकर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के द्वारा, जो कि है teenybeans.in। साथ ही में हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके प्री स्कूल खोलने के रिलेटेड क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आप प्री स्कूल बिजनेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि कोई भी नए अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।